हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि आप लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानना चाहते हो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव तो हमने ऑलरेडी सभी के सभी अपलोड किए ही हुए हैं बी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड आप लोग के हर एक टॉपिक का सिलेबस कम्प्लीट है एक्सेप्ट एक या दो टॉपिक छूटा हुआ है उसके अलावा सारे टॉपिक्स डन है ठीक है तो एम सी क्यू भी डन सिलेबस भी डन थ्योरेटिकल पार्ट की अगर हम बात करें ना तो थोड़ा सा यहाँ पे ना दिमाग लगाने वाली चीज़ें होती हैं और हम आज आप लोगों को एग्जैक्टली exactly बताएंगे कि आपको क्या एनालिसिस करना है और कैसे आप अपने पेपर की तैयारी करो लास्ट डेज पेपर के आने वाले हैं ना अब पेपर आने वाला है तो अब आप लोग को क्या करना है ये हम आपको बताएंगे ठीक है आप चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की भी वीडियोस आने वाली है एंड वन मोर बिग सरप्राइज इज़ कि जितने भी फोर्थ सेमेस्टर से आप क्लासेस चलेंगी वो फिफ्थ हुई सिक्सथ हुई या इंक्लूडिंग फोर्थ सेमेस्टर वो सभी हिंदी प्लस इंग्लिश में चलेंगी ठीक है तो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश में पेपर देते हो और आपके दोस्त अगर हिंदी में पेपर देते हैं तो आप उन्हें भी हमारा चैनल रिकमेंड करें कि उनकी भी हेल्प हो पाए अगर आप हिंदी में देते हो और इंग्लिश वाले को दिक्कत होती है तो फिर आप उन्हें भी हेल्प कर सकते हो ठीक है आप हेल्प बस एक क्लिक से कर सकते हो वो शेयर का ठीक है बटन है बस उस पर क्लिक करो हेल्प हो जाएगी ठीक है जिससे शेयर करना है कर सकते हो और सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको फ्री वीडियोस मिलती हैं जैसा कि आप चैनल पे देखते ही हो कि लिखा हुआ है फ्री एजुकेशन फॉर ऑल ठीक है तो बस हमारा सपोर्ट करिए फ्री एजुकेशन हम बहुत अच्छे तरीके से देंगे बस आपका सपोर्ट चाहिए और आप सपोर्ट सब्सक्राइब करके ही दे सकते हो ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड आज हम आप लोग को जनरली बताने वाले हैं कि आप किसी भी पेपर को ना कैसे सॉल्व कर सकते हो हो सकता है कि अगली फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर uh, जो हो उसमें आप पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने ही ना हो ठीक है बट ठीक है हम बताते हैं आप लोग को कि आपको क्या करना है आओ देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बैंथम एंड होकर क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमने बस टॉपिक्स एक तरीके से डाल दिया है कि जो बैंथम एन हुकर क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पर ये एनालिसिस आपको करना जरूरी होता है कि आप एक बार क्वेश्चन को देखें और ये समझें कि इस क्वेश्चन से कितने वाइड रेंज ऑफ अदर क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं जैसे अगर आप बैंथमैन हुकर क्लासिफिकेशन देखो तो आपके सामने ये डायरेक्ट भी रखा जा सकता है कि चलो भाई बैंथमैन हुकर क्लासिफिकेशन लिख दो तो, ठीक है या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए ठीक है ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है या फिर उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि हमें आउटलाइन बताइए ठीक है बैंतमेन होकर क्लासिफिकेशन की या फिर उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैरिट एंड डी मैरिट पूछे जाते हैं ओके मैरिट एंड डी मेरिट पूछा जाता है फिर अगर उसके अलावा भी बात करें तो यहाँ पर अप टू ऑर्डर तक आपसे क्लासिफिकेशंस भी पूछे जाते हैं ठीक है क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो ये वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन हैं जो एक ही क्वेश्चन से हमें मिल रहे हैं ये जो हमारा एक क्वेश्चन है उससे हमें इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं ठीक है अब ये जो आउटलाइन आपको दी गई है जैसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोले तो सेम जो आपको एंड होकर क्लासिफिकेशन में लिखना है वो लिख दो ओके okay? और ये बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन है ना कि बार बार हमें ये बोला जाता है कि बैंतमैन होकर हार्ड है बैंतम होकर आप मत uh, करना नंबर नहीं मिलेगा कितना भी लिख दोगे ये वो ये चीज़ें आप इग्नोर करो ठीक है अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं जैसे बैंते मेनुकर आपका तैयार है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है बहुत बच्चों को अच्छे से समझ में आया और रिव्यू भी बहुत अच्छे से मिला है ठीक है तो उन बच्चों को अगर तैयार है तो अगर उनके सामने बैंते मेन आएगा तो प्लीज़ आप हेजिटेट मत हो उसको लिखने के लिए आप लिखो और बिलीव मी ये इतना ज़्यादा रेपिटेटिव है ना क्योंकि देखना चाहता है एक एग्जामिनर भी यही देखना चाहता है कि भाई जो बच्चा है वो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है या नहीं है या कौन से बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं मैं तो मैन होकर क्लासिफिकेशन हमें ऐसा लगता है कि ईजी है ठीक है क्योंकि हमने आपको इसका पूरा एक इलाबोरेट वीडियो भी बताया जिसमें सब कुछ आपको डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा डाइकोटीडोन का क्या पार्ट मतलब क्या डेफिनेशन है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फैनरो गेम क्रिप्टो गेम उसके अलावा पॉली पिटाली गैमो पिटाली सभी चीज़ों की ना एक बहुत बढ़िया मतलब एक होता है ना फुल एक ही वन शॉट में आपको बताया है हमने उसके अलावा हमने आपको ट्रिक्स भी बताई है मैरिट एंड डी मैरिट भी बताया है क्रिस्पी नोट्स भी आपको दिए हैं ठीक है उस, उसके माध्यम से भी बताया है तो अगर आप तीन चार वीडियो हमारी देख लेते हो तो एक क्वेश्चन तो आपका ना डन हो जाता है और इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी तो ये जो क्वेश्चन है बैंताम एन हुकर एक टॉपिक है इसको आप एकदम रट के जाना रट के क्या बोलूँगी मतलब पूरा घोल के जाना पी के जाना उसको बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और अगर लॉन्ग में ना मिले तो फिर आपको शॉर्ट्स में दे दिए जाते हैं जैसे मैरिट एंड डी मैरिट शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है अगर लॉन्ग में आता है तो दस लिखते हैं पॉइंट अगर शॉर्ट में आया तो पाँच लिखोगे तो ये एनालिसिस हमें करनी पड़ती है कि एक जो टॉपिक है उसके कितने वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं ये हमें ध्यान देना चाहिए हमेशा पेपर देने से पहले तो बैंता एंड होकर एक वही हमारा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम फर्दर मूव करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज अगर हम बात करें क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस में फैमिलीज़ की ही चर्चा ज़्यादा है तो फैमिलीज़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम आपको ना ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी टू फैमिलीज़ आप देखते हो जैसे डेनन किलेसी पेपावरेसी ब्रेसी केसी कैप्रडेसी कैरोफिलेसी फिबेसी मालवेसी रुतेसी बहुत सारे हैं ठीक है बहुत सारे अनलिमिटेड ही हैं बट हमें जो पढ़ना है हमारे सामने जो रखा जाता है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू या फिर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ऐसा कुछ आप लोगों के सामने कैलकुलेशन रखा जाता है बी में एमएससी में और पढ़ना है लेकिन उसमें से भी हम अगर बात करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो आपके ये छह फैमिलीज हैं जिसमें पहला है एस्टरेसी सेकेंड है कुकुर थर्ड है आपका यूफोबियसी, फिर पोएसी फिर सोलेनेसी एंड फिर फिबेसी ठीक है ये जो टॉपिक्स मतलब ये जो फैमिलीज हैं ये आपको एनी हाउ करके जाना है अब आप बोलोगे कि दीदी ये जो है आपने बताया फैमिली ये एक्चुअली में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है तो लेट मी क्लियर दिस एनालिसिस सेकेंड इज पर्पजली मैं टेक्सोनॉमी की बात कर रही हूँ कि उन फैमिलीज पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो हमारे रियल लाइफ से ज़्यादा उभर के निकलते हैं समझ रहे हो मतलब ये कि अगर हम बात करें सोलन एसी फैमिली की तो आप इसके एग्जाम्पल जानते हो कि हमारे पोटैटो हो गए ब्रिंजल हो गया यह आप रोजाना की जिंदगी में खाते रहते हो तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है ठीक है अगर हम बात करें पोएसी की तो पोएसी फैमिली आप जान रहे हो वीट क्या गेहूँ चावल इसके बिना आप जिंदगी सोच भी सकते हो नहीं सोच सकते हो ये हमारा डेली मील है इसी वजह से जो पोएसी फैमिली है ये भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी हाई होती है तो ऑब्वियस ऑफिस बात है कि हमें पेपर में पढ़ना ही है अब अभी हम सेकेंड रीजन भी आपको बता रहे हैं कि क्यों ये फैमिली आपको पढ़नी है और फिर फिबेसी फैमिली भी जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है जैसे कि आपने एलेवन ट्वेल्थ में ही आपको ना सोलन ए इनके बारे में लिली एसी पढ़ा दिया गया होगा बट बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फैमिलीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके साथ आप एक और इंक्लूड कर लो जिसका नाम है ब्रेसी ठीक है यहाँ लिख रहे हैं हम ब्रेसी ओके okay, अब ये फैमिलीज क्यों इम्पोर्टेंट हैं सेकंड हम आपको रीज़न ये देना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे एस्टोरेसी फैमिली है तो एस्टोरेसी फैमिली का ना एक बहुत अच्छा एक अलग हट के एक एग्जांपल है और जिसका हट के कुछ रहता है वो ऑब्वियसली नज़र के सामने पहले आती है ठीक है जैसे सौ लोगों में पाँच लोग होंगे वो थोड़ा हट के होंगे उनके अलग ही फ़ीचर होंगे या तो कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा होगा या तो कोई एकदम कम बोल रहा होगा कोई मतलब ये होता है ना पता चल जाता है इंसान को प्रीसेंस पता चल जाती है वैसे इन फैमिलीज़ में भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि किसके खास कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आगे चल के बहुत पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो एक बार हम आपको बताते हैं देखिए एस्ट्रेसी फैमिली इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने नाम सुना होगा हेड एंड कैपीटिलम इन फ्लोरसेंस का या फिर रे और डिस्क फ्लोरेट का तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारे एस्टरेसी फैमिली का है इन फ्लोरसेंस इनमें हेड एंड कैपीटिलम पाया जाता है ये हेट्रोगेमस टाइप के फ्लावर्स इनमें होते हैं जिसमें रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट होता है जो डिस्क फ्लोरेट होता है वो सेंटर में सेंटर uh, में होता है और जो रे फ्लोरेट होता है वो बाहर की तरफ होता है ठीक है तो ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है हमारी एस्टरेसी फैमिली का और ये और किसी भी फैमिली में नहीं पाया जाता है इस वजह से एस्टरेसी फैमिली जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि के पास एक अलग हट के एक फीचर है ठीक है आप देखिए कुकुरसी फैमिली कुकुर बेसी फैमिली आप जानते हो जैसे कि कुकुरबित्ता मैक्सिमा हो गया आप जो मीठा कद्दू खाते हो लैंगेरिया हो गया ठीक है तो ये भी जो हमारे आए दिन हमारे आने वाले दिन या आए दिन या आपने बहुत खा भी लिए होंगे कि आपने लौकी खाया है कद्दू खाया है सीताफल खाया है तो बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें कुकर बीतेसी फैमिली से मिलते हैं अगेन द रीजन इज कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत हाई हो जाती है तो हमें ये पढ़ना है सेकेंड ये कि कुकुर बीतेसी फैमिली में ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग अमेजिंग कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे फाइव एंगल्ड स्टेम आपको जो है ना वो इसी फैमिली में देखने को मिलता है तो इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ओके यू फॉरबीएसी फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक अलग तरह का इंफ्लुएंसेंस पाया जाता है जैसे आपने तीन तरह के इन्फ्लुसेंस

हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली आपको पता है कि इसमें हमने आपको पढ़ाया था फॉल से सेप्टम पाए जाते हैं जिसको रेपलम बोलते हैं तो ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस जो ब्रेसिकेसी है उससे हमको बहुत सारे तेल वाले इंग्रेडिएंट मिलते हैं जैसे सरसों का तेल राई का तेल बहुत तरीके के तेल हमें यहाँ इस फैमिली से मिल जाते हैं तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत हाई है पोएसी फैमिली की बात करें तो यहाँ पर आपको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट देखने को मिलता है ठीक है यहाँ पर आपको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन इन्फ्लोरसेंस देखने को मिलता है अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस ये और किसी में आपको नहीं दिखाई देगा इस वजह से सारी फैमिलीज आपको पढ़ के जानी चाहिए हमने आपको बस ये बताया है कि क्यों ये फैमिलीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा लेट मी क्लियर दिस वन थिंग कि जो एस्टेसी फैमिली है अगर आपके सामने कम्पोजिटी भी लिखा हो तो भी सेम ही फैमिली है ठीक है कोई कन्फ्यूज़न नहीं आपको होना चाहिए जो कंपोजिटी लिखा है तो भी एस्ट्रेसी फैमिली होगा प्लस अगर पोएसी की जगह आपको ग्रामिनी दिखे ठीक है ये ग्रामिनी दिखे तो भी ये सेम ही फैमिली है तो ये दोनों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ओके अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे हमने आपको बताया था ना कि मालवेसी को कॉटन फैमिली बोलते हैं जैसे ब्रेसिक है जिसको मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं ठीक है, है? आ, पोएसी में आई थिंक ग्रास फैमिली बोलते हैं ग्रामिनी को तो ये सभी आपको थोड़ा सा याद कर लेना कॉमन नेम एंड फिर क्लासिफिकेशन बैंथम एन होकर के हिसाब से तो आपको मिल ही जाएगा ओके तो हमने आप लोगों को ना फैमिलीज बता दी इंपॉर्टेंट अब हम उससे जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं एक्चुअली मुझे सर्दी हो गई है और रात में ही मैंने ना आगे का स्टार्ट वाला पॉइंट तो मैंने सूट कर लिया ठीक है वो ऑडियो कर लिया फिर अभी को ये चीज़ कर रही हूँ तो मुझे सर्दी हो गई है तो उसको इग्नोर कर देना ठीक है अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस फैमिली से कि डिस्कस द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली कुकुर बीतेसी एंड गिव इट्स फ्लोरल डायग्राम तो यहाँ आपसे हर एक चीज़ पूछ दी गई कुकुर बीतेसी फैमिली के बारे में ठीक है सबसे पहले आप ये देखो कि आपके सामने फैमिली कौन सी रखी गई है तो फैमिली कुकुर बीतेसी उसके बाद आप ये देखो कि आपसे पूछा क्या गया है जैसे अगर वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है तो आपको वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में रूट स्टेम और लीफ के बारे में लिखना है और वही अगर हम फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर आपको कैलिक्स कोरोला एंडोशियम गाइनोशियम के बारे में लिखना है मान लीजिए रफली आपको बता रहे हैं अगर आपको बैंतमिन होकर क्लासीफिकेशन याद है तो बहुत फायदा है उसका जैसे हमने आपको बताया था कि बैंता मन होकर क्लासीफिकेशन में टाई जो होते हैं उसके अलावा भी जो टाई होते हैं उनमें जो रूट पाई जाती है वो टैप रूट सिस्टम पाई जाती है क्या टैप रूट सिस्टम पाई जाती है और अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था कि कुकर विदेशी फैमिली में फ़ाइव एंगल्ड स्टेम पाए जाते हैं ठीक है और अगर हम लीव की बात करें तो आपने भी कद्दू वद्दू के लीव देखे होंगे कभी ना कभी ज़िंदगी में देखे होंगे तो वो कैसे होते हैं पाल होते हैं ठीक है पाल में टिकली होते हैं ठीक है और उसके बाद ऑल्टरनेट होते हैं कि नहीं सिंपल होते हैं ससाइल होते हैं क्या होते हैं ये सब आपको हमने पढ़ाया हुआ है, ये आप देख लेना तो ये ही एक तरीके का आपको पूरा फीचर्स बताना होता है प्लस आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना होता है और फ्लोरल डायग्राम आप तभी बना पाओगे जब आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद होगा ठीक है अब शॉर्ट नोट्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बॉटेनिकल नेम बताइए थ्री वेजिटेबल प्लांट्स का कुकर फैमिली से रिलेटेड जैसे अभी हमने आपको मैक्सिमा बताया मीठा कद्दू जिसको बोलते हैं कुकुरबिता मैक्सिमा ठीक है तो वैसे ही आपको लौकी वालो लौकी में आई थिंक लैंगेरिया करके होता है फिर सीताफल बता दो तो ये जो तीन हो गए ये तो हमने आपको बता ही दिया ठीक है तो ये ये आपको वेजिटेबल्स के प्लांट के नेम हो गए जो कि पूछे जाते हैं बॉटेनिकल नेम पूछा जाता है बस लॉक वो किले के बच्चा ले आना आपसे बॉटेनिकल नेम पूछा जाता है ठीक है अब देखिए एक और तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको सेलियन फीचर बताना है फैमिली एस्टोरेसी का जिसमें आपको अगेन वेजिटेटिव एंड फ्लोरल वेजिटेटिव में आपको रूट स्टेम एंड लीफ प्लस आपको फ्लोरल में सॉरी ऊपर हमने कैलिक्स कोरोला एंड एंडोशम लिखा है बट आपको फ्लावर के बारे में भी बताना पड़ता है एंड इनफ्लोरसेस के बारे में बताना पड़ता है पॉलिनेशन बताओ फिर सीड बताओ ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी वीडियो आप मेरी देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है फिर प्लासेंटेशन भी आपको एस्टोरेसी फैमिली में पूछा जाता है कभी ना कभी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें शॉट नोट्स की बात करें तो एस्टरेसी फैमिली से आपको हेड एंड कैपिटल इन्फोरसेंस के बारे में पूछ दिया जाएगा ठीक है अगेन एक और है यू फॉर फैमिली बस इस फैमिली को चेंज करते रहो क्वेश्चन आपका वही बनेगा कि वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बता दो कैरेक्टरिस्टिक और फ्लोरल डायग्राम बना दो ठीक है हर फैमिली का जो भी छः फैमिली हमने बताई है वो ऐसे ही आपसे पूछी जाएगी सेम यहीं पर अगर आप पोएसी लिख दो तो पोएसी बन पोएसी का क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है उसके बाद अगर आप यहीं पर मान लीजिए कि ब्रेसिक ए लिख दीजिए तो आप बस फैमिली चेंज कर दो क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा ओके अब शॉर्ट नोट और गायनोशियम भी आ सकता है यू फॉरबीएससी के ओके okay? अभी जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वो सभी आपको टेक्सोनॉमी से रिलेटेड हमने क्लियर कर दिया अब आगे जो यूनिट्स है उसमें हम लोग को एनालिसिस थ्री क्या है ये देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है जी ठीक है अब मेरा ये मानना है कि जो भी आपके सिलेबस में सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना ही चाहिए एनी हाउ सिलेबस देख के जाओ ठीक है सिलेबस जो है उसमें जो भी टर्म है ठीक है एक होता है टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग हम दो चीज़ों में कंसिडर करते हैं किसी भी क्वेश्चन को एक होता है टॉपिक और एक होता है टर्म ठीक है तो टर्म और जो हमारा टर्म होता है ठीक है चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं जो टर्म होता है इसमें आप जैसे कैसे टर्म देख सकते हो जो जिसके फर्दर कोई सब टॉपिक उसमें नहीं है वो डायरेक्ट बस एक टॉपिक है जिसमें कोई सब टॉपिक नहीं है जैसे फिनेटिक्स हो गया ठीक है ये हमारा एक टर्म है इसको, इसमें आप क्या ही क्वेश्चन बनाओगे डायरेक्ट पूछोगे फिनेटिक्स क्या होता है या क्लेटिस्टिक क्या होता है या अभी आगे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं तो वो टर्म होते हैं ठीक है अगर हम बात करें टॉपिक्स की तो टॉपिक्स में आप देखते हो बैंतम एंड हुकर क्लासीफिकेशन इसमें आपको बहुत सारे सब टॉपिक दिखाई देते हैं ठीक है किसी भी फैमिली को आप टॉपिक बोल सकते हो क्योंकि उसमें अगेन बहुत सारे सब टॉपिक है जैसे गायनोशियम है एंडोशियम है इन सभी को आप अलग से शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हो ठीक है फिर जो हमारा जी आई एस है वो भी कहीं ना कहीं टॉपिक है लेकिन आपके सिलेबस में इसको टर्म की तरह दिखाया गया है इसको ज़्यादा इलाबोरेट नहीं किया गया है तो जी आई एस को आप हमारे पी के अकॉर्डिंग से आप टर्म वाइज लेके चलोगे तो बहुत कम पढ़ोगे इसके बारे में ठीक है कम पढ़ो और उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरत है और जाके लिख के आओ जी बहुत बड़ा टॉपिक है बट आपको बस ओवरव्यू लेना है एज अ टर्म ना कि टॉपिक ठीक है इसमें आपको बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स नहीं बनाने हैं कि जी में हम फलाना लिख दे ढमकाना लिख दे कुछ नहीं ठीक है डायरेक्ट जैसे Uh, कोई भी पैराग्राफ लिखते हो वैसे तैयार करो टॉपिक सब टॉपिक के बीच में मत पढ़ो ओके तो आपको टर्म के अकॉर्डिंग जीआईएस को लिखना है टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है वैसे ही अगर हम क्लैडिस्टिक फिनेटिक्स की बात करें तो ये भी आप लोगों के पेपर में टर्म वाइज दिया गया है आप लोगों को एक टॉपिक नहीं दिया गया है कि आप इस पर पूरा दस पेज का महाभारत लिखो ठीक है आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मोनोफाइलेटिक पैराफेलेटिक एंड पोलीफिनेटिक तो ये भी एक क्या है टर्म है ठीक है ये भी आपके लिए टर्म है बट क्योंकि तीनों एक तरह से दिखने वाले हैं तो आपको नोट्स कैसे बनाना है एक पेज लो उसमें ये तीनों लिखो ठीक है ऐसे करके इनका डिफरेंस लिखो इनकी पांच सिमिलैरिटीज़ लिख दो चार सिमिलैरिटीज़ लिख दो सिमिलैरिटी तो भैया तुम एक अगर याद कर लोगे तो तुम्हारा तीनों का काम हो जाएगा डिफरेंस याद कर लेना मान लो कि तुमसे डिफरेंस पूछा तो छापाना यही जो अपने नोट्स में लिखा है और मान लो कि तुमसे पॉल आ, क्या बोलते हैं पॉलीफिनेटिक या पैराफिनेटिक या मोनोफिलेटिक अकेले अकेले पूछा है तो भी तुम यही मान लो कि अगर आपसे मोनोफिलेटिक लिखा है पूछा है तो आप यहीं के सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक उठा के लिख दो उसे क्या पता कि तुम भाई डिफरेंस वाला लिख रहे हो या क्या लिख रहे हो हाँ तुम बस लिख तो रहे हो ना मोनोफिनेटिक के बारे में और डिफरेंस से ज़्यादा तुम लिखोगे क्या समझ रहे हो तो इस तरीके से किसी क्वेश्चन को तैयार किया जाता है मतलब एक तीर से आपने दो चार निशाने लगाने की कोशिश की आपने डिफरेंस लिखा तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो गए सिमिलैरिटीज लिखी तो सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन हो गए प्लस आपको एक कम्पेरेटिव मिल गया कंपेरिजन मिल गया जिससे कि आप एम सी क्यू बढ़िया से सॉल्व कर लोगे प्लस आप अलोन भी उन सभी को लिख लोगे तो इस तरीके से आप ये सारे जैसे क्लैडिस्टिक्स एंड फिनेटिक्स में भी आप सेम कर सकते हो ठीक है सेम करो कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को तैयार करते हैं ओके नाउ हमारे क्वेश्चन सेवन की बात करें तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप ये बहुत ही ज़्यादा छोटा मतलब टॉपिक है जिसमें शॉर्ट नोट से अधिक हमें नहीं लगता है कुछ आएगा जैसे कि प्लांटलेट हो गया ठीक है प्लांट नेट हो गया ठीक है और फिर आई थिंक पिक्चर दिस हो गया तो पिक्चर दिस भी हमारा ऐप है प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप पढ़ाया है, हमने देख लेना ये तैयार कर लेना आप लोग ओके okay? uh, उसके बाद देखिए हाँ एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक वाला जो यूनिट है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपसे बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगेन डिफरेंस बता दो कि मुगल एंड इंग्लिश में क्या डिफरेंस है सिमिलैरिटीज़ बता दो या किसने किसका डिज़ाइन लेकर के अपने में लगाया है ये वाले गार्डेंस का कुछ बता बता दो ठीक है तो यहाँ पर आपको एक्चुअली तैयार तो सब करना है वो मुगल गार्डन हो इंग्लिश गार्डन हो इटालियन फ्रेंच जैपनीज रिस्पेक्टिवली सब तैयार करना है आपको क्योंकि सब तैयार कर लोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना इसलिए हमने ये सारा का सारा लिखा है प्लस ना हम ऐसा नहीं बोल रहे अगेन बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दस पेज का तैयार करना है हाफ ऑफ पैराग्राफ इन सभी का तैयार कर लो और इलाबोरेट करके इंसान लिख लेता है अगर उसे थोड़ा सा याद रहे तो वो पेपर में बहुत कुछ लिख लेता है तो हम यही बोलेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लीजिए हमने पढ़ाया है एक ही वीडियो में सभी को बताया है तो आप एक बार अगर देखना चाहो तो वो देख लेना डन हो जाएगा ओके नाउ अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स में आपको पेराइटल प्लाजेंटेशन सीनेड्रोस कंडीशन हाइपेंथोडियम पोलिनिया ऑफ कैलोटॉपिक्स एपोमोफिक्सियम इन्फ्लुसेंस ये आपके इंपॉर्टेंट तो है प्लस देयर आर न्यूमरस अदर शॉर्ट नोट्स जो आपको मतलब आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है तो हमको आपको एक और चीज़ बोलनी है कि हमसे एक चीज़ आप कर लो प्रॉमिस ठीक है हमसे ये प्रॉमिस करके जाओ ना ये कमेंट में हमें लिख के बोलो कि हाँ दी हम प्रॉमिस कर रहे हैं क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये जो नीचे की दो वीडियोज हैं ये आप देख करके जाओगे दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ठीक है और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये अगर आपने सॉल्व कर लिया तो यहाँ से आपको वो भी क्वेश्चंस नज़र आएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे समझ रहे हो और हमने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके और पूरा पूरा डिस्कशन कराया है जितने शॉर्ट नोट्स हैं या जो हमें लगा कि बहुत इम्पॉटेंट है वो सब कुछ हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है इस पी आ, पी में ठीक है तो ये दो वीडियो देख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और क्या चाहते हो हंड्रेड परसेंट चाहते हो बताओ हाँ वो भी मिल जाएगा इतना करके तो जाओ ओके तो बस इतना ही करना है आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है अगर पाँच से छः दिन भी बचे हैं तो आप लोग के लिए वो इनफ है आपके पेपर के लिए इनफ है उससे ज़्यादा आपको समय चाहिए भी नहीं ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बाय बाय टेक केयर बी हैप्पी बाय बाय